यूपी के 825 ब्लॉक में से ज्यादातर के नतीजे अब आ चुके हैं। बीजेपी ने इसमें जबरदस्त जीत दर्ज की है। शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब तक घोषित नतीजों में बीजेपी को 427 और समाजवादी पार्टी को 56 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य उम्मीदवारों ने 61 सीटें जीती हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, जबकि बीएसपी इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई। मतदान 3 बजे तक हुआ था, उसके बाद मतगणना का काम जारी है और ज्यादातर के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने इसमें जबरदस्त जीत दर्ज की है और आज शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और अब तक जो नतीजे घोषित हुए हैं उसमें 427 सीटें बीजेपी के पास गई हैं, समाजवादी पार्टी को 56 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य उम्मीदवारों ने 61 सीटें जीती हैं। कांग्रेस का आपको बता दें खाता भी नहीं खुला है, जबकि बीएसपी इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले रही थी। और 825 सीटें हैं, जिसमें अभी तक की अगर बात करें तो 427 सीटें बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में खूब बवाल हुआ। सिद्धार्थनगर, अमरोहा, रायबरेली, हमीरपुर, चंदौली, बलिया और अयोध्या में कहीं झड़प, कहीं मारपिटाई, कहीं नोकझोंक तो कहीं लाठीचार्ज हुआ। बवाल की 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंदौली के सदर ब्लॉक में जमकर हंगामा हुआ। हमीरपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सिद्धार्थनगर में वोटिंग करने जा रहे बीडीसी सदस्य के साथ बीजेपी प्रत्याशी समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है। बलिया के दुभड़ ब्लॉक में वोटिंग के दौरान झड़प हुई। अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी हनुमंत सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पा सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। अयोध्या में भी संयुक्त मोर्चा के बीडीसी प्रत्याशी को पीटने का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगा है, जबकि बाराबंकी में मतदान के दौरान बीजेपी समर्थित प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच लाठी डंडे चले। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी रणवीर भी जुड़ गए हैं। पंकज जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले ये समझना चाहूंगा, अभी तक जो सीटें हैं सबसे ज्यादा बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही हैं, और इस बीच अब शाम को 6 बजे योगी आदित्यनाथ सीएम साहब जो है वो भी मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सवाल ये है, चुनाव तो ये इनडायरेक्ट है, ऐसे में कैसे देखें इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको? इसके पीछे ना आदर्श में थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने एक बार कहा था कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बीजेपी का कब्जा होना चाहिए, और आज अगर यूपी के चुनावी नतीजों को देखें तो पार्लियामेंट, विधानसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख, सब में बीजेपी भारी बढ़त बनाए हुए हैं। तो एक तरीके से बीजेपी का जो ये ड्रीम था ना, सपना जो था वो पूरा हुआ लग रहा है। और इसीलिए अब से कुछ देर बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के जो यूपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, दोनों बीजेपी ऑफिस जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे और समझाएंगे कि यूपी की जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी में भरोसा जताया है। जिस तरीके से चुनावी नतीजे आ रहे हैं ना, आप खुद अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, बीएसपी पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई है। लड़ाई जो था, सीधी लड़ाई अगर हम कहें तो बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी थी। कई जिलों में समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई है, वाराणसी में सभी सीटों पर बीजेपी और अपना दल की जीत हो गई है। ऐसे कई जिले हैं जहाँ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है। ये बात अलग है कि कई तरह की गड़बड़ी, धांधली, चुनावी हिंसा, मारपीट, इस तरह की चीज़ों के आरोप लगे, वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। फिर लेकिन आखिर शाम होते होते ये एक जो तथ्य है, ये एक सच है कि बीजेपी भारी बढ़त की ओर है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जी आप रहे पंकज जी, रणवीर भी जुड़े हुए हैं। रणवीर, 652 सीटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं, कुछ ही बची हुई है, कब तक ये नतीजे क्लियर हो जाएंगे? देखिए, 6 बजे जब मुख्यमंत्री पीसी करने आएंगे तो माना जा रहा है कि एक आंकड़े के साथ आएंगे और आंकड़ा बताते हुए वो बताएंगे कि बिल्कुल जो आखिरी आदमी है, जो बिल्कुल छोटे स्तर का चुनाव होता है वहाँ से लेकर बड़े चुनाव तक बीजेपी के साथ जनता है, और इसीलिए मंच तैयार हो रहा है। बिल्कुल सामने आप देखिए, ये मंच है और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थोड़ी देर बाद आएंगे और उसकी तैयारियाँ शुरू हुई हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये तय हो जाएगा कि अब बीजेपी आने वाला जो 2022 का विधानसभा चुनाव
चुनाव है, उस चुनाव में उतरने की रणनीति इस संदेश के साथ जाएगी कि छोटा हो या बड़ा, हर चुनाव में जनता ने बीजेपी का साथ दिया है और ये जो चुनाव है, जो आज का मतदान था, इसके बाद अब जो चुनाव यूपी में होगा वो 2022 का विधानसभा जो फरवरी मार्च के आसपास होगा, और उस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ये लोगों के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जनता है और इसीलिए आज का जो मतदान था जिसकी अब जो रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और 6 बजे तक माना जा रहा है कि रिजल्ट्स फाइनल आ जाएंगे, तो उस आंकड़े को लेकर मुख्यमंत्री आएंगे और लोगों को बताएंगे कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों सरकारों के साथ जनता है और ये जो चुनाव है, जो इनडायरेक्ट चुनाव कहते हैं लेकिन जो सदस्य हैं वो भी जनता ही चुनती है, ऐसे में उस जनता ने सदस्यों पर भरोसा जताया, इसी वजह से उन सदस्यों ने हमारे अध्यक्षों को जिताया। तो ये संदेश मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह देते हुए ये ऐलान कर देंगे एक तरह से कि अब बीजेपी का जो अगला टारगेट है वो 2022 है और उस चुनाव में भी जनता साथ देगी। हालांकि इस चुनाव में बहुत तरह के आरोप लगे हैं, यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री की पीसी है तो कल अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे सपा दफ्तर में पीसी करेंगे और वो जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें बड़े लेवल पर धांधली हुई है। तो आरोप प्रत्यारोप ये सब कुछ चलते रहेंगे और राजनीति उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे चरम पर जा रही है। जी जी आप रहे रणवीर। पंकज जी मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा सा सवाल है, राजनीति, क्योंकि आप पूरी नज़र जो है राजनीतिक लिहाज पर देखें वो तो 2022 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों पर है, माफ़ कीजिएगा। अब सवाल ये है कि ये छोटी छोटी जीत है, सीधे तौर पर जुड़ी भी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को मोबालाइज करने के लिए एक बड़ा मौका भी है। जी हाँ, देखिए कोरोना की दूसरी लहर में जो हालत थी ना कार्यकर्ता से लेकर, हम सब उससे त्रस्त रहे, एक तरीके से ये लग रहा था। और पूरा अगर उठाकर देखेंगे ना आप, चुनाव क्या होता है, परसेप्शन का खेल होता है, माहौल बनाया जाता है, हवा किसकी है वो बताने और समझाने के लिए ना छोटे छोटे चुनाव के नतीजे भी ना बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को कितनी गंभीरता से बीजेपी ने लड़ा, फिर ब्लॉक प्रमुख को कैसे लड़ा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी इतनी शिद्दत से इतनी मजबूती से लड़ रही है, सभी बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी यूपी स्तर के हैं, केंद्रीय स्तर के भी नेता हैं, वो सब इन्वॉल्व रहे हैं और ये वही माहौल बनाने के लिए, क्योंकि एक तरीके से ये एक ग्राउंड होगा, इसी ग्राउंड पर आगे की लड़ाई यानी कुछ महीनों बाद जो विधानसभा चुनाव की लड़ाई है, जो असली लड़ाई है। जी जीत का माहौल बनाने तक तो ठीक है, लेकिन माहौल आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कुछ और भी दिखाई दिया। पंकज जी आप दोनों रहे हमारे साथ, देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, हंगामे और बवाल के बीच 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की भी खबर है। आरोप है कि इसी दौरान एसपी सिटी को थप्पड़ मारने भी मारा गया। बीजेपी सदर विधायक सरिता भदौरिया और जिला अध्यक्ष के साथ पुलिस की कहा सुनी भी हुई। ये सब कुछ इटावा में हुआ जहां सिटी एसपी प्रशांत कुमार को थप्पड़ भी मारा गया। तो देखिए इटावा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एसपी सिटी को बाकायदा हाथ जोड़ने पड़े नेताओं के आगे, बताने के लिए कि उन पर भी हमला हुआ, थप्पड़ मारे गए, धक्का मुक्की हुई और भीड़ को पीछे करने के लिए उन्होंने नेताओं से अनुरोध किया। सरिता भदौरिया मौजूद थी जो विधायक है वहाँ की, और फिर वो आगे बढ़े, उनके साथ ही आगे बढ़े, तब जाके भीड़ थोड़ा पीछे हुई। इसके लिए बाकायदा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए भीड़ को काबू करने के लिए। पंकज जी बड़ा सीधा सा सवाल है, बंगाल चुनाव आपने बहुत करीब से देखा था, कई तस्वीरें आती थी गाड़ियों को तोड़ने की, भीड़ इकट्ठा हो जाने की, घेर लेने की, कुछ वैसी ही तस्वीरें दिख रही हैं आज? बिल्कुल, और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, हिंसा बंगाल में हो, राजस्थान में हो या फिर यूपी में हो चुनाव के दौरान, वो बहुत खतरनाक है और बहुत शर्मनाक है। ये जो तस्वीर है उस इटावा की है जहाँ पर बीजेपी के विधायक सरिता भदौरिया साफ दिख रही है, और एक पुलिस अधिकारी पर हमला क्या होता है, ये सरकार पर हमला होता है, सरकारी मशीनरी पर, सरकार के मुस्तकबिल पर हमला है एक तरीके से। और ये चीज़ें सीएम योगी आदित्यनाथ के बार बार कहने के बावजूद भी अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जैसा तस्वीरों में दिख रहा है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, गुंडागर्दी की, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब है, बहुत शर्मनाक है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी रणवीर, लगातार नजर आप बनाए हुए हैं, मतगणना के दौरान इस तरह की कोई खबर कहीं से आई क्या?
देखिए मतगणना चूंकि बहुत कम वोट्स होते हैं, कहीं 60 कहीं 70 कहीं 100, और उसको गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इसको इस आज के पूरे दिन को आप ओवरऑल देखिए तो अयोध्या से लेकर के तमाम अमरोहा और बड़े बड़े कई शहर हैं जिन शहरों में हिंसा की बात हुई है, मुरादाबाद में भी सुबह झड़प हुई थी और उसके बाद इटावा में जिस तरीके से पुलिस पर ही हमला कर दिया गया, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि मतदान या मतगणना दोनों ही प्रक्रियाओं में बाहुबल का इस्तेमाल किया है स्थानीय नेताओं ने, और ये सब स्थानीय नेता होते हैं लेकिन इनके पास जो कि लोकल लोग होते हैं और उसी के दम पर ये मनमानी करते हैं, और आज भी इस तरह की तस्वीरें पूरे दिन आती रही हैं। हालांकि अगर परसों और कल की तुलना करें तो आज तस्वीरें कम हिंसक हुई हैं क्योंकि नामांकन के दिन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, उनका नामांकन पत्र छीना गया, कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचने दिया गया, इस तरह की तस्वीरें आई थी, और कल नाम वापसी के दिन भी काफ़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में आज जो वोटिंग है वोटिंग को कोशिश की गई कि काफ़ी हद तक शांतिपूर्वक कराने की, लेकिन फिर भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ से हिंसा की तस्वीरें आईं, अयोध्या में भी हुआ तो तमाम सारे शहर हैं जहाँ हुआ, और जिन सीटों पर सोचिए आप कि 825 में से 349 तो वो सीटें थी जहाँ वोटिंग हुई ही नहीं, यानी कि जो बाकी 470 के आसपास जो सीट्स थी सिर्फ वहीं पे वोटिंग हो रही थी उसमें इस तरह की हिंसा हुई है, तो जाहिर है कि ये बहुत चिंताजनक है, बहुत शर्मनाक है, और जिन लोगों ने भी हिंसा की है जिनको वीडियोस में आइडेंटिफाई किया गया है उम्मीद है कि उन पर कार्रवाई ज़रूर होगी ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसा यूपी में या बाकी कहीं भी ना दिखाई दे। जी जी आप रहिए रणवीर, आप भी रहिए, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान चंदौली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, दोनों तरफ से जमकर बवाल काटा गया, दोनों गुट के कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस के सामने ही मारपीट होती रही और पुलिस केवल स्थिति को संभालने की कोशिश करती हुई नजर आई है। चंदौली की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और उसके बाद पुलिस को वहां पर हालात को काबू में करने की कोशिश करनी पड़ी। रायबरेली में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, विवाद बीजेपी प्रत्याशी हनुमंत सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पा सिंह के समर्थकों के बीच हुआ जिसके बाद दोनों पक्षों ने जमकर बवाल काटा, हंगामे के दौरान समर्थकों ने सड़क भी जाम कर दी। पुलिस पर आरोप है कि हंगामे के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। रायबरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी हनुमंत सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पा सिंह के समर्थकों के बीच ये पूरा विवाद हुआ जिसके बाद दोनों पक्षों ने जमकर वहां पर बवाल काटा, हंगामे के दौरान समर्थकों ने सड़क को भी जाम कर दिया। और अब आपको अयोध्या से आई तस्वीर दिखाते हैं जहां सोहावल ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान संयुक्त मोर्चा के बीडीसी पर हमले की खबर है। आरोप है कि संयुक्त मोर्चा के बीडीसी प्रत्याशी पर बीजेपी समर्थकों ने हमला कर दिया जिसके बाद उनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद किसी तरह पुलिस ने वहां से बीडीसी के प्रत्याशी को, संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी को वहां से निकाला। ये पूरी घटना अयोध्या के सोहावल ब्लॉक में हुई। दूर से। अयोध्या के सोहावल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर संयुक्त मोर्चा के बीजेपी प्रत्याशी को आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के समर्थकों ने पीटा जिसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस ने किसी तरीके से वहां से निकाला। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच बवाल की खबर हमीरपुर से भी आई जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से इतना बवाल हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं जबकि कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। Okay.
और अब आपको बलिया के दोभड़ ब्लॉक की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां भी कुछ अलग तस्वीर नहीं है, यहां भी मतदान के दौरान बवाल ही हुआ है। दो पक्षों में झड़प की खबर वहां से भी आ रही है। बलिया की तस्वीरें हैं ये, जहां पर दो पक्षों में जमकर झड़प हुई। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही पक्ष यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने डटे रहे और काफी वक्त तक ऐसा ही हाल बना रहा। अब आपको अमरोहा की तस्वीर दिखाते हैं। अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आई, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अमरोहा में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तक हो गई। पुलिस वहां पर मौजूद थी, हालात संभालने की कोशिश की, लाठीचार्ज भी किया, लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान केवल अमरोहा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें दिन भर आती रही। 3 बजे तक मतदान था, तब तक लगभग सभी जगहों पर इसी तरह का माहौल देखने को मिला और दो पक्ष लगातार आमने सामने नजर आए और कई जगहों पर प्रत्याशियों को रोकने की कोशिश हुई, प्रत्याशियों को मारा पीटा भी गया। तमाम तरह की तस्वीरें दिन भर आई और एबीपी न्यूज पर हम आपको अपडेट भी करते रहे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब मतगणना अपने अंतिम चरण में है, कुछ ही देर में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी तक के मुताबिक 467 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये अमरोहा की है। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को बाकायदा लाठीचार्ज करके उनको तितर बितर वहां से करना पड़ा। और उस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में जम्मू कश्मीर के 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। इसमें आतंकी सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या है इस पर पूरी जानकारी? हिजबुल मुजाहिदीन के जो संस्थापक हैं सैयद सलाउद्दीन, उनके 2 बेटे हैं, उनके समेत, दोनों बेटों के समेत जो जम्मू कश्मीर के 11 कर्मचारी जिनके बारे में जांच करके रिपोर्ट बनाएगी किस तरीके से वो आतंकवादियों के संपर्क में थे, उनको महत्वपूर्ण सूचनाएं देते थे, उनके खिलाफ जांच हुई। एक कमेटी ने पूरी जांच की है और इन 11 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंस्पेक्टर भी है और सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी हैं। पंकज जी, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, इसके आगे कुछ कानूनी कार्रवाई इस पर होगी, उसको लेकर अभी कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी तो पहली जो जांच हुई है उसमें यह पाया गया कि इनके आतंकवादियों से संबंध थे, आतंकवादियों के संपर्क में थे, आतंकवादियों की हर तरीके से ये मदद करते थे, उनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए थे। शुरुआती जांच में हुआ कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आप कैसे आतंकवादी संगठनों के साथ, उनके लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं। उसके बाद इनके खिलाफ दूसरी कार्रवाई भी हो सकती है, फिलहाल इन सबको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं पंकज जी, कि तंत्र हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर पैठ है आतंकवादियों की बनी हुई है या उनकी साठगांठ है, तो वो तो बिल्कुल इस खबर से साबित हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कई बार हुआ है, कई बार ऐसा हुआ कॉम्बिंग के दौरान और कई बड़ी कार्रवाई में ऐसा पता लगा आतंकी कार्रवाई में कि जो लोकल तौर पर फैसिलिटेट किया गया, उनकी मदद की गई, उनको सूचनाएँ दी गई हैं, इस बात की पहले भी खबरें आती थी। उसी बात को लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने जाँच की, जाँच के दायरे में अभी शुरुआत में 11 के खिलाफ वो सारे आरोप सही पाए गए, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनके
उनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनके व्हाट्सएप चैट हैं, सारी चीजें मिली हैं। उस आधार पर सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटे समेत 11 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली में मानसून का इंतजार है। अब मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने 10 जुलाई यानी आज मानसून आने की भविष्यवाणी की थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली, यूपी, राजस्थान में मानसून की बारिश संभव है। दिल्ली में अगले 24 घंटे में आ सकता है मानसून। ABP News आपको रखे आगे।